झुंझुनू में करोड़पति फकीर के नाम से मशहूर डॉक्टर घासीराम वर्मा बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं। डॉक्टर घासीराम वर्मा साल के 50 लाख रुपए बालिका शिक्षा पर खर्च करते हैं। एक साधारण परिवार में जन्म लेके अमेरिका में प्रोफेसर तक का सफ़र तय करने वाले घासीराम वर्मा ने बताया कि जब वो अमेरिका चले गए और भारत में लड़कियों की स्थिति देखी, किसी बहुत ही कम लड़कियां हैं जो कि जॉब में जा पाती हैं। उसके पीछे मुख्य वजह उन्होंने देखी कि सिर्फ बीए और एमए तक की पढ़ाई होना ही। इस समस्या को देख के उन्होंने झुंझुनू में साइंस की शुरुआत की। घासीराम वर्मा के द्वारा शुरू की गई साइंस कॉलेज में पढ़कर सैकड़ों बच्चियाँ हैं जो अलग अलग क्षेत्र में आज अपनी सेवाएँ दे रही हैं। मैं शुरू से ही, मेरा ये आइडिया था कि आधी लड़कियां होती हैं, आधे लड़के होते, तो सिर्फ लड़के ही क्यों पढ़े, लड़कियां क्यों नहीं पढ़े, तो हमें लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। तो हमने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। पहले यहाँ पर हम आर्ट्स कॉलेज थे, तो आर्ट्स में हमारी लड़कियां बीए एमए कर लेती थी, और फिर कहने साहब कोई नौकरी नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि भाई बीएमए में तो नौकरी है नहीं, साइंस में ही नौकरी है। तो मैंने डिपार्टमेंट के हमारे लोगों से कहा कि हम साइंस कॉलेज खोलेंगे, जिसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और कंप्यूटर साइंस, और बस यही। तब से हमने शुरू किया। अब हमारे 40-50 लड़कियाँ पढ़ती हैं उसमें हर साल, और हर लड़की को जॉब मिल जाता है। एक भी लड़की आज तक ऐसा नहीं जिसको जॉब नहीं मिला। और जो लड़की पढ़ी लिखी हो, यदि उसके पास जॉब नहीं है, न तो उसके ससुराल में उसकी इज्जत है और न उसके घर में उसकी इज्जत है। तो पैसा बहुत ज़रूरी। तो यही सोच के हमने कि हम लड़कियों को साइंस पढ़ाएंगे, और सारे साइंस में जो भी जॉब। अब हमारी लड़कियाँ तो सारे राजस्थान में पढ़ा नहीं, अपने यहाँ की पढ़ी हुई लड़की। तो ठीक है, ये अच्छा ही हुआ। देखिए, जब आदमी के पास बहुत पैसा हो तो क्या करे उसे, ये भी समझे, कोई भी चीज़ बहुत अच्छी नहीं हो। तो मेरे पास तो शुरू में गरीबी में रहा, ज़्यादातर समय गरीबी में, लेकिन जब पैसा आना शुरू हुआ तो इतना जो चीज़ें कोई हद नहीं। तो मैंने सोचा अब इसका तो एक ही तरीका है, जो जड़ बाड़े न्यो नाव में और घर में दाम बारे दाम दो हाथ को लीजिए, यही सज्जन को काम कि घर में यदि पैसा ज़्यादा तो उसे तोड़ो हाथ। तो यही सोच के मैंने सोचा चलो किसी का भला हो तो अच्छा है। तो इसलिए हमने साइंस कॉलेज खोली, और हमारी लड़कियां बहुत खुश हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं।